देखना, क्वेश्चन में आपसे बोल रखा है इफ कॉट थीटा, आपको दिया हुआ है इफ कॉट थीटा इक्वल टू 3/4, कॉट थीटा इक्वल टू 3/4 एंड थीटा इज एक्यूट, थीटा आपका एक्यूट एंगल है, थीटा इज एक्यूट, ठीक है, तो इसमें आपसे बोल रखा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको वैल्यू फाइंड करनी है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, वैल्यू में आपसे बोल रखा है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा डिवाइड, डिवाइड में है सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, ओके, सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, ये अपने पास क्वेश्चन है। तो देखो बेटा बहुत इजी क्वेश्चन है ये, इसमें देखना आपके पास क्या है, आप बेटा आपको कॉट दिया हुआ है ना, आपको कॉट दिया हुआ है कॉट थीटा इक्वल टू 3/4। बेटा यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ से अपन ऐसा कर, देखो बेटा यहाँ से आप देखो आपको क्या क्या यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, टेन है, टेन तो यहाँ से इजली निकल के आ जाएगा, आपको सेक और कॉस चाहिए, मतलब आप साइन और कॉस निकाल लो इसकी हेल्प से। तो हम यहाँ पर एक क्या करते हैं, पर हम एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ से पर हम थोड़ा फाइंड करते हैं, एक मैं ट्राइंगल ड्रॉ कर रहा हूँ, राइट एंगल ट्राइंगल। बहुत इजी क्वेश्चन हाँ देखो तो बहुत अपन करते हुए आ रहे हैं, तो देखना इसमें अपने पास क्या, सपोज ये आपका थीटा हो गया, थीटा हो गया, कॉट अपने पास क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेटा बेस हो गया 3, ये हो गया 4, ये कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, आ जाएगा 5, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास पहले मैं निकालता हूँ साइन थीटा, तो साइन थीटा अपने पास क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, तो कितना हो जाएगा 4/5 हो जाएगा। एक निकाल लेता हूँ कॉस थीटा, तो कॉस अपने पास क्या हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब 3/5 आ जाएगा बेटा। अब बस आपको जो फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा डिवाइड में, डिवाइड में अपने पास क्या है सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, यही है सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा। देखो टेन थीटा कॉट दिया हुआ है, तो टेन कितना हो जाएगा 4/3 हो जाएगा, रेसिप्रोकल कर दो, ठीक है, कॉट कितना है 3/4 है, डिवाइड सेक थीटा क्या आएगा इस कॉस का रेसिप्रोकल कर दो, मतलब 5/3, ओके, और प्लस कॉसेक क्या होगा इसका रेसिप्रोकल कर दो, तो कितना आ जाएगा 5/4। बस अब तो सॉल्व कर लो, यहाँ से कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, ये आ जाएगा 16+9, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 12, तो ये कितना आ जाएगा 20+ कितना आएगा 15, ठीक है, ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया 25/, ये कितना आ जाएगा 35, ठीक है, यहाँ से इसका आंसर कितना आ जाएगा, सॉल्व कर दो इसको, कितना आ जाएगा, ये आपको आ जाएगा कितना 5/7 आ जाएगा, सबको समझ में आया, तो बस कितना आ गया इसका आंसर, इसका आ गया 5/7। अच्छा, तो बहुत सिंपल ये क्वेश्चन, फाउंडेशन लेवल का था सर। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, मैंने ऐसे ही देख लिया था, इससे तो बहुत सिंपल था। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन लेते हैं आप, बट तो समझ में सबको आ गया होगा समझ में, ये तो इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। चलो यस सर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एक अच्छा क्वेश्चन लेते हैं। आप देखो यहाँ पर देखना, एक अपने पास क्वेश्चन है इफ कॉस ए माइनस बी, थोड़ा सोचना कैसे कर सकते हैं इसको, इफ कॉस ए माइनस बी आपको दिया हुआ है 5/13, 5/13 एंड दूसरा आपको दिया हुआ है साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, ये आपको दिया हुआ है साइन ए प्लस बी इक्वल टू 4/5, ओके, ये दिया हुआ है, तो इसमें आपसे पूछा है देन फाइंड आपको फाइंड करना है साइन टू बी, साइन टू बी ये है, तो इसमें आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा बेटा। देखो ध्यान से देखना कैसे इसको अपन सॉल्व करेंगे, देखो ध्यान से देखना, आपको बेटा क्या क्या दिया हुआ है, आपको एक तो दिया हुआ है कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी आपको दिया हुआ है 5/13, ओके बेटा, और आपको दिया हुआ है साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी हमारे पास है कितना 4/5, यही है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको चाहिए साइन ठीक है, साइन ए प्लस बी को अपन ओपन कर लेंगे तो साइन ए वो बन जाएगा, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी। हाँ ठीक है फिर सर इसको ओपन कर देंगे तो सर अपन सिर्फ वैल्यूज देख लेंगे कि जैसे कॉस की क्या वैल्यू आ रही है, तो देखो कॉस उससे ए थोड़ा सा, देखो बेटा उससे थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा आपके लिए, देखो
देखो एक थोड़ा सा इसका शॉर्ट मेथड है, शॉर्ट मेथड देखो यहाँ पर देखना, आपको यहाँ पर क्या चाहिए बेटा, आपको चाहिए टू बी किसके साथ, साइन के साथ। देखो बेटा मैं ऐसे लिख दूं क्या, आपको साइन चाहिए, अब आपको अंदर चाहिए टू बी, बेटा उसको ऐसे लिख दूंगा, ध्यान से देखना, ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी। आप जरा इसको सिंप्लीफाई करो बेटा, यहाँ से आपको टू बी मिल रहा है क्या, ब्रैकेट को ओपन करोगे तो बेटा क्या होगा, ए ए कैंसिल हो जाएगा, बी बी कितना हो जाएगा, टू बी हो जाएगा। इतना समझ में आया? अपन ने क्यों किया a प्लस b माइनस, क्योंकि बेटा आपको ये देखो आपको चाहिए 2b। अब 2b कैसे आ गया, यदि मैं इसको इस फॉर्म में लिख दूं, आप थोड़ा मतलब आप मतलब यहां पर थोड़ा ऐसा सोचो, 2b है, आपको 2b कैसे मिलेगा, यदि हम ऐसा लिख दें, कैसा लिख दें, a प्लस b माइनस a माइनस b, इसको जरा बेटा ओपन करो, a प्लस b माइनस a माइनस माइनस प्लस b, तो बेटा आपको मिल रहा है 2b। बेटा मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं क्या, थोड़ा मतलब जनरल सोचो कि आपके पास ए और बी दो हैं, यदि आपको टू बी लाना हो तो बेटा ऐसे लिखेंगे अपन, लिखेंगे, यदि आपको चाहिए होता टू ए तो बेटा आप कैसे लिखते, यहाँ पर आप प्लस लगा देते तो आपको टू ए मिल जाता। समझ में आया? तो मेरे को यहाँ पर चाहिए था टू बी, तो अपन ने क्या कर दिया, इसको इस फॉर्म में लिख दिया। ठीक है बेटा, समझ में आया चिन्ह में हमने ऐसा क्यों लिखा? यस सर। अब देखो बेटा, अब अपन क्या करते हैं, मैं इसमें फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ, किसका फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, साइन, इसको एक एंगल मान लो ए माइनस बी, इसको हमने a मान लिया, इसको b मान लिया, तो यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूं मैं sin a माइनस b। ठीक है, देखो बेटा sin a माइनस b क्या होता है, sin a जो आपके पास a प्लस b है, sin a cos b, cos क्या है a माइनस b, sin a cos b। ठीक है, फिर अपने पास क्या होता है, ये देखो यहाँ पर माइनस है तो क्या आएगा, माइनस में आ जाएगा sin a cos b माइनस cos a, cos a मतलब a प्लस b, cos a और sin b, sin a माइनस b। इतना समझ में आया क्या, इतना समझ में आया, ये आपने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, sin a cos b माइनस cos a sin b। अब देखो बेटा आपको यहाँ पर प्रॉब्लम कहाँ आएगी, देखो आपको sin a प्लस b पता है, cos a माइनस b पता है, आपको cos a प्लस b पता नहीं है और आपको sin a माइनस b की थ्योरम अप्लाई, मतलब वो अपन ने a प्लस b को एक मान लिया और a माइनस b, हाँ, इसको बेटा मैंने एक a मान लिया और इसको मैंने b मान लिया, मैंने अप्लाई कर दिया sin a माइनस b का फॉर्मूला। ओके, अब आपको बेटा यहाँ प्रॉब्लम कहाँ आएगी, क्योंकि आपको देखो बेटा cos a प्लस b पता नहीं है और आपको ये पता नहीं, तो मुझे बताओ कि आप इन दोनों की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हो, सोच के बताओ कैसे फाइंड कर सकते हैं इन दोनों की वैल्यू, आपको cos a प्लस, देखो बेटा यहाँ पर आपको क्या क्या वैल्यू पता है, एक तो देखो आपको ये पता है sin a प्लस b आपको गिवन दिया हुआ है, cos a माइनस b आपको गिवन दिया हुआ है, आपको cos a प्लस b चाहिए और sin a माइनस चाहिए, आपको इन दोनों की रिक्वायरमेंट है, तो कैसे फाइंड करें दोनों की वैल्यू, तीनों सोचो, किसी को आता तो बताओ। cos a प्लस b है तो इसमें आप इसका यूज कर सकते हो sin a प्लस b का, तो बताओ आप तो सोचो कि अपन sin a प्लस b का यूज करके कैसे निकाल सकते हैं वैल्यू। सर 180 मतलब लाइक साइन इसमें कॉस 180 प्लस समथिंग थीटा करके कुछ नहीं, उसका कोई मतलब ही नहीं है, उससे नहीं हो सकता। और सोचो, मैं आपको बार बार बोलता हुआ आ रहा हूँ, जब भी आपको साइन कॉस में कुछ भी कॉस दिया हो या साइन निकालना हो, साइन दिया हो या कॉस निकालना हो, तो हमेशा एक फिक्स आइडेंटिटी है, कौन सी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, यहां से हमेशा आप निकाल सकते हो वैल्यू। समझ में आ रहा है क्या, जब भी आपको कॉस दिया हो तो बेटा यहां से आपका साइन निकल के आ जाएगा, साइन दिया हुआ है तो कॉस निकल के आ जाएगा, सबसे बेसिक आइडेंटिटी है ये, आपको हमेशा यूज करनी है। बेटा होगा क्या भाई, इस पूरे को आप एक एंगल मान लो ना, इसको आप थीटा मान लो, दोनों में देखो सेम, बेटा सेम है, देखो ए प्लस बी सेम तो है, थीटा एंगल सेम ही तो है, यहां से आप फाइंड कर सकते हो क्या, सोच के देखो कर सकते हैं क्या बेटा, तीनों को समझ में आया जो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर भाई, देखो cos a प्लस b निकालना है तो बेटा अपन क्या बोल सकते हैं, देखो इसको आप थीटा मान लो, तो बेटा यहाँ से cos थीटा का मतलब क्या होता है, रूट के अंदर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा होता है बेटा ये, बस इसको यहाँ पर क्या बोल दोगे, इसको ऐसे बोल दोगे, क्या बोल दोगे, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, तो sin स्क्वायर थीटा मतलब मेरे पास क्या है, a प्लस b है बेटा, बोल देगा इस तरीके से बताओ। ठीक है, इसमें वैल्यूज पुट कर दो, 1 माइनस इसका स्क्वायर कर दो तो कितना 16/25, थोड़ा सॉल्व करो इसको, कितना आ जाएगा 25 माइनस 16,
9/25 तो कितना मिल गया आपको, ये मिल गया 3/5, तो आपको cos a plus b मिल गया 3/5। समझ में आया बेटा ये स्टेप, सबको समझ में आएगा ये स्टेप, बताओ जरा। यस सर। ठीक है, अब वही यहाँ पर सेम प्रोसेस देखो, यहाँ पर है साइन a माइनस b निकालना है आपको, ये पता है cos a माइनस b, सेम सेम यहाँ पर अप्लाई कर दो साइन a माइनस b, तो बेटा ये कैसे आ जाएगा, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, स्क्वायर रूट में 1 माइनस cos स्क्वायर a माइनस b, बोल दे बेटा। देखो आपका एंगल तो बेटा सेम ही है, a माइनस b, इसमें वैल्यू स्पोर्ट कर दो रूट के अंदर 1 माइनस cos स्क्वायर, तो कितना होगा 25/169। ठीक है, कितना हो जाएगा 169-25, कितना 144/169, तो आपको मिल गया sin a माइनस b, कितना मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा 12/13। बेटा आया सबको समझ में, बताओ अब तो हो गया सॉल्व, सबको वैल्यू पुट इसमें कर दोगे आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर ये दोनों स्टेप मेन थी बेटा, एक तो इसमें स्टेप ये मेन थी कैसे आप निकालोगे, एक आपकी दोनों स्टेप ये मेन है। तीनों को समझ में आया बेटा जो हमने यहाँ पर अप्लाई किया, बताओ जरा पहले। यस सर। ठीक है, अब तो क्या करो बेटा, फर्स्ट में हमारा चिन्ह में समझ में आया क्या, अब तो क्या करें, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अब फर्स्ट में देखो पुट कर दो, अपने पास फर्स्ट में क्या क्या है, साइन ए प्लस बी कितना है 4/5 है, तो ये आपका हो गया 4/5 मल्टीप्लाई, फिर अपने पास क्या है बेटा कॉस ए माइनस बी है वो कितना है 5/13, तो ये पुट कर दें 5/13। आगे बढ़े फिर अपने पास क्या था बेटा माइनस कॉस ए प्लस बी, तो मतलब माइनस थ्री अपॉन फाइव मल्टीप्लाई, आगे बढ़े क्या है साइन ए माइनस बी कितना 12/13, तो सॉल्व कर दें कितना आ गया 20/65। ठीक है, -36/65, समझ में आया बेटा सबको। ठीक है, बस इसको यहां से आप सॉल्व कर दो तो कितना मिल जाएगा, माइनस कर देते हैं तो माइनस का 16/65, ये इसका आंसर आ गया। तो बेटा समझ में आया क्वेश्चन, कहीं कुछ पूछना हो तो बेटा इसमें पूछ लो, अभी तक समझ में आया बेटा, आपको चाहिए था साइन टू बी, तो बेटा हमने क्या इसको ऐसे ब्रेक कर दिया ए माइनस बी, हमने ऐसे ब्रेक कर दिया a माइनस बी माइनस ऑफ a प्लस बी माइनस ऑफ a माइनस बी, ये पुट किया फॉर्मूला अप्लाई कर दिया साइन a माइनस बी का, साइन a cos b माइनस cos a sin b, जो अननोन था वो आपने फाइंड कर लिया, फिर आपने फॉर्मूले में पुट कर दिया। ओके बेटा, तो सबको समझ में आया, ठीक है आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, अब देखो एक क्वेश्चन अपन कर चुके हैं इस टाइप का क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थ्री देखो बेटा, इसमें आपसे बोल रखा है, देखो बेटा हमने क्या ऐसा है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में आपको दे रखा है इफ n इक्वल टू tan 28 डिग्री। ठीक है, तो इसमें बोल रखा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ आपको वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, ये बोल रखा है tan 152 डिग्री प्लस tan 62 डिग्री डिवाइड में है tan 242 डिग्री और प्लस इसके बाद है tan 28 डिग्री। ओके, तो देखना बेटा हमने किया ऐसा क्वेश्चन, हमने किया हुआ है आपको यहाँ पर tan दिया है कितना 28 किसके n के इक्वल, तो आपको इसमें क्या करना है, ठीक है सर, हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे tan 152 और tan 40, देखो सर दोनों में से एक टर्म को कन्वर्ट करेंगे LHS, मतलब अब देखो नहीं, हाँ, नहीं अब देखो कैसे करना है, आपको मैं सिखाया था आपको हर एक को 28 की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, सिखाया था मैंने आपको हर एक, क्योंकि बेटा बाद में आप इसकी वैल्यू को आप इजीली पुट कर दोगे, 152 है, बताओ बेटा मैं इसको कैसे लिखूं, इसको बताओ 28 की फॉर्म में कैसे, 180 माइनस 28, ठीक है, 62 है कैसे लिखें बेटा, 90 माइनस 28 लिख दे बेटा, ठीक है ठीक है, डिवाइड 242 है, बताओ इसको कैसे, 270 माइनस 28, ठीक है 270 माइनस 28, और ये तो आपका है ही प्लस 28, ये तो आपका आ गया एज इट इज tan 28,
ओके तो देखना अब यहाँ अपन सब में अप्लाई करते हैं फॉर्मूला, ध्यान करना। देखो टेन 180 माइनस थीटा, मैं पूछता हूँ, मैं पूछता हूँ वही बोलेगा। पहले बोलो बेटा इंशिया, बताओ बेटा इसका क्या आएगा, टेन 180 माइनस थीटा कितना होगा, सोच लो आराम से। सर माइनस 10 28। हाँ वेरी गुड, ठीक है माइनस 10 28। हाँ बेटा हुसैन आप बताओ, 10 90 माइनस 28 सोच लो आराम से। नहीं एक मिनट रुको, 10 90 माइनस थीटा, ये तो अपन बेसिक अपन पढ़ चुके हैं बेटा, 10 90 माइनस थीटा बोलो बेटा उसे ना क्या होगा, ये तो बेसिक अपन पढ़ चुके हैं, ये तो आपका 10th लेवल पे है। 10 90 माइनस थीटा कितना होता है सर, कॉस थीटा। कॉट थीटा, कॉस नहीं कॉट, 10 चेंज इनटू कॉट, कॉट इनटू 10 याद रख लो हमेशा, ठीक है ना, कॉट थीटा तो कॉट 28। हाँ बेटा चिन्ह में आप बताओ, 10 270 माइनस थीटा, 10 90 माइनस 28 चेंज हुआ तो वो तो माइनस कॉट थीटा आएगा ना। माइनस क्यों आएगा बेटा, ये तो अपन बेसिक पढ़ चुके हैं, तो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो फर्स्ट में तो आपके सारे पॉजिटिव होते हैं ना, 10 90 में से अपन ठीक है वो तो प्लस होता तो आपका माइनस में आता। अब बोलो 10 270 माइनस 28 चिन्ह में बेटा आप बोलो, cot 28। वेरी गुड, cot 28 ठीक है ना, और प्लस ये आपका आएगा एज इट इज 10 28। इतना सबको समझ में आया, ठीक है इतना हो गया, अब तो कुछ नहीं करना आपको, अब इसमें डायरेक्टली क्या करोगे बेटा, वैल्यूज पुट कर दो, ठीक है तो वैल्यू अपन पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर देख लो 10 28 कितना है बेटा, n है तो माइनस का n हो गया, इसको अपन क्या बोल सकते हैं बेटा, इसको अपन बोल सकते हैं 1/10, तो कितना 1/10 और अपन n हो जाएगा बेटा, क्योंकि 1/10 28 1/n, ठीक है डिवाइड में देखो ये कितना हो जाएगा 1/n और ये आपका हो जाएगा n, बस सिंपलीफाई कर लो तो कितना आ जाएगा, माइनस का n स्क्वायर प्लस 1 1 प्लस एन स्क्वायर, 1 क्यों आएगा, ये ऐसे तो रहेगा, ये कौन से कैंसिल होंगे आपस में, ये तो आंसर आएगा, ये तो आएगा बेटा कैंसिल होना होंगे ये, तो ये आपका आंसर आएगा, क्योंकि बेटा देखो एन एन तो आपके कैंसिल हो जाएंगे एलसीएम लेने पर, एन एन कैंसिल हो गए तो कितना आ गया, माइनस का एन स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर, ये इसका आंसर आ गया। बड़ा समझ में आया तीनों को ये क्वेश्चन? यस सर। यस सर। यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ये तो अपन शायद एनसीईआरटी लेवल पे ये आपका क्वेश्चन होगा, बताना कैसे इसको स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन है प्रूव करने वाला, प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट, ये आपका बेटा क्वेश्चन एक बोर्ड लेवल का हो सकता है, शायद मैंने कराया हुआ सब क्वेश्चन, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस वन डिवाइड में है cot a माइनस cosec a प्लस 1, cot a माइनस cosec a प्लस 1, ये आपको प्रूव करना है 1 प्लस cos a अपॉन sin a, 1 प्लस cos a अपॉन sin a, ठीक है तो अपन इसमें LHS पार्ट सॉल्व करेंगे, अपने पास LHS में क्या है, ये है क्या, cot a प्लस cosec a माइनस 1 डिवाइड में अपने पास है cot a माइनस cosec a प्लस 1, तो सोच के बताओ कैसे इसको स्टार्ट करें, हमने बेटा किया है ये क्वेश्चन, किया हुआ है हमने ये, सोच के बताओ अपन... बोलो सोच के बताओ, हमने ऐसा क्वेश्चन किया था tan और sec की फॉर्म में, सोच के बताओ कैसे सॉल्व करेंगे, साइन से डिवाइड कर देंगे, साइन से डिवाइड कर देंगे, नहीं उससे क्या होगा, उससे कितना कुछ होगा सर, इसको ऐसा कर देंगे cot है तो cot को अपन cos by sin लिखते हैं, ऐसा कुछ करना ही नहीं है ना, ऐसा कुछ cos से डिवाइड करेंगे, अच्छा cos से डिवाइड करेंगे, नहीं कुछ नहीं करना है ऐसा, ध्यान दो मैंने क्वेश्चन बेटा पढ़ाई करो, मैंने क्वेश्चन कहा था आपको tan और sec की फॉर्म में, सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन था, सोचो सर, cot प्लस cosec की वैल्यू इनकी आइडेंटिटी, मैंने आपको क्वेश्चन कराया था एक tan और sec का, तो बेटा यहां पर मैंने 1 को क्या लिखा था, कुछ ध्यान आया, मैंने इस 1 को यस 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 ध्यान आया, 1 को मैं क्या लिखूंगा, 1 को लिखूंगा मैं cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a, पढ़ाई करो बेटा पढ़ाई नहीं कर रहे हो, ये इक्वल टू 1 होता है क्या, यस अंडर रूट लिखेंगे सर, अंडर रूट नहीं, रूट में क्यों लिखेंगे, डायरेक्टली ऐसे लिखेंगे ना, क्योंकि 1 की वैल्यू ये आएगी आपके पास, यस इस तरीके से बेटा पढ़ाई करो, टेस्ट में क्या करोगे, cosec स्क्वायर a
माइनस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है ना, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। मेरे जो नोट्स है बेटा वो नोट्स ही पढ़ो, नोट्स ही मेन है बस, ठीक है। डिवाइड में क्या है, डिवाइड में है कॉट ए माइनस स्क्वायर सी रहने दो। ऐसा हमने सिंपल सिंपल क्वेश्चन किया था बेटा, किसमें, टेन और सेक में। अब इसमें अप्लाई कर दो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी और सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा देखो, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ये तो आपका एज इट इज है, ठीक है। यहाँ क्या अप्लाई करोगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या लिखोगे, कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ए माइनस बी, ठीक है ना। यहाँ पर लिखोगे आप ए माइनस बी कॉस ए, ये आ गया, और ए प्लस बी से क्या आ जाएगा, ए प्लस बी से आ जाएगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए। समझ में बेटा स्टेप, और डिवाइड में आपका ये आएगा एज इट इज, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस वन आ जाएगा, क्या समझ में बेटा स्टेप, ये आपका आ जाएगा एज इट इज, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस वन। अब क्या करेंगे, कॉमन ले लो, कॉमन क्या आ रहा है देखो, कॉट ए प्लस कॉसेक ए आ रहा है कॉमन, इसको अपन कॉमन ले लेंगे, कॉट ए प्लस कॉसेक ए को कॉमन निकाल लो। बेटा फिक्स स्टेप है, टेन सेक का है या कॉट कॉसेक का है, हमेशा आपको ऐसे ही करना है। तो क्या बच जाएगा, यहाँ से वन बच गया, इसको ब्रैकेट को ओपन कर दो, तो माइनस का क्या आ गया बेटा, माइनस का आ गया कॉसेक ए, और माइनस माइनस प्लस कॉट ए आ जाएगा। और डिवाइड में आपका ये है एज इट इज, डिवाइड में हमारे पास क्या है, डिवाइड में हमारे पास है कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस वन आ जाएगा बेटा। समझ में आया क्या, क्लियर, ठीक है। अब देखो यहाँ से पूरा पूरा कैंसिल हो गया, हो गया कैंसिल, तो यहाँ देखो हमारे पास अब तो इसको आप मतलब कन्वर्ट कर दो, कॉट अपने पास क्या होता है, कॉट अपने पास क्या होता है, कॉट को अपन लिख सकते हैं क्या बेटा, कॉस ए अपॉन साइन ए, लिख दे कॉस ए अपॉन साइन ए, ठीक है। और कॉसेक क्या होता है, कॉसेक होता है वन अपॉन साइन ए, बस यहाँ से आ गया आपका आर एच एस पार्ट, तो कितना आ गया, वन प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। सबको समझ में आया बेटा, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिए भी, ये आपका आर एच एस पार्ट आ गया, फिक्स क्वेश्चन है बेटा। टेन सेक में आएगा तुम्हारा, लिख दोगे आप सेक स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर है, और इसमें आएगा तो आपका ये आ जाएगा, दोनों में फिक्स स्टेप है बेटा, ठीक है। तीनों को समझ में आया, कैसे सॉल्व हुआ, यस सर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, चलो एक क्वेश्चन देखना, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, एक मिनट, अपने पास क्वेश्चन है, हाँ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, आपको करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, बेटा आपको वैल्यू फाइंड करनी है, किसके लिए फाइंड करनी है, टेन टेन और डिग्री, आपको यहाँ एंगल दिया हुआ है 1140, ये दिया हुआ है। ऐसे क्वेश्चन बेटा आप इलेवेंथ में पढ़ोगे, ऐसे क्वेश्चन आपको इलेवेंथ में मिलेंगे, देखना ऐसे क्वेश्चन बेटा हम सॉल्व कैसे करते हैं, ध्यान से देखना। अपने पास बेटा क्या है, आपको निकालनी है किसकी वैल्यू, टेन 1140 की निकालनी है। तो बेटा अपने को पता है सबसे मैक्सिमम आपको क्या पता है, आपने अभी तक पढ़ाया 360 तक, पढ़ाया बेटा 360 तक, तो क्या करना है आपको, आप इसको 360 की फॉर्म में डिवाइड मतलब इसको मतलब ब्रेक कर दो। तो देखो बेटा इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या, 10 360 प्लस ये कितना बच गया, इसको इसमें से क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, तो कितना बच जाएगा, 780 बच जाएगा। इतना समझ में आया बेटा, मैंने इसको ब्रेक कर दिया इस फॉर्म में, इतना समझ में आया क्या, कर सकते हैं ब्रेक, इसको मैं लिख दिया किस तरीके से, 360 प्लस 780। तीनों को समझ में आया बेटा, जिनमें इनसे उससे ना समझ में आया, ठीक है। इसको बार बार ब्रेक करते जाएंगे, हाँ देखो बेटा इसको वैसे करेंगे अपन, देखना अब बताओ, टेन 360 प्लस थीटा क्या होता है, टेन 360 बेटा चेंज नहीं होता ना, याद रख लो हमेशा, 180 360 नो चेंज, तो क्या आएगा, ये आएगा 10780। अगेन क्या करना है, अगेन इसको ब्रेक करना है आपको, तो कितना हो जाएगा, 360 प्लस कितना बचा अपना, ये माइनस कर दो, कितना बचेगा, 420, ठीक है 420 बच जाएगा। अगेन क्या हो जाएगा, अगेन क्या लिखोगे, 10420 लिख दे। अब आपका लास्ट में देखो अब सॉल्व हो जाएगा, अब क्या लिख दूं इसको, 10 360 और कितना बच गया, 60 बच गया बेटा, 60 बच गया, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1060 हो जाएगा, 1060 पता है हमें 1060 कितना होता है, ये अब फेल होती है रूट थ्री, तो
तो इसका रूट थ्री क्या आ गया, आंसर आ गया। समझ में आया क्या तीनों को, कैसे हुआ सॉल्व, कोई प्रॉब्लम? Yes, बेटा sir. हाँ बेटा, बाकी बोलो चिन्मय हुसैना, समझ में आया? Yes, sir. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, ऐसा मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ। हाँ क्वेश्चन देखो एक मिनट, चलो इसका आंसर बेटा आप ही बताओगे, मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिख रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, फाइंड द वैल्यू ऑफ आपको वैल्यू फाइंड करनी है, और आपको यहाँ पर दिया हुआ है साइन x माइनस पाए प्लस, ये ब्रैकेट में है, x माइनस पाए प्लस cos x माइनस पाई अपॉन टू, ठीक है, और इसके मल्टीप्लाई में है cos x माइनस टू पाए। आपको निकालने इसकी वैल्यू, यहां पर एक बात आप समझ लो बेटा, पाई का मतलब क्या होता है, पाई का मतलब होता है 180, ठीक है ना, ये आप सब बस समझ लो। जो पाई है, पाई अपना होता है 180, ठीक है बेटा, तो पाई बाई टू कितना हो जाएगा, इसका हाफ कर दो 90 हो जाएगा, 2 पाई कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपके पाई जो है बेटा, ये आपका होता है रेडियन मेजर में, और ये आपकी होती है डिग्री, तो ये बेटा आपको एंगल आपको रेडियन में दिए हुए हैं। अब चलो अब बताओ, बेटा आप जरा सॉल्व करो, सब सॉल्व करो और चैट बॉक्स में इसका